हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जनकनाथ एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जॉब इन्फॉर्मेशन की नई वीडियो। नई से नई और पुरानी से पुरानी भर्ती के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जो यूट्यूब चैनल है जनकनाथ एजुकेशन पॉइंट उसको सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए दोस्तों, जहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी लिंक हो, कोई भी पीडीएफ वगैरह हो, सभी कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलते हैं। देखिए, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली खास खबर ये है दोस्तों कि हरियाणा में जो सीईटी के फॉर्म यानी सीईटी से संबंधित जो भी आवेदन किए गए थे दोस्तों, अभी फिलहाल पोर्टल बंद जरूर है, लेकिन जो भी जो ना जिसने भी सीईटी में करीबन 8-10 लाख आवेदन हुए हों, तो उनमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे जो जिसने भी आवेदन किए थे उनमें कुछ गलतियाँ जरूर हुई हैं। तो जो करेक्शन लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है, यानी कि वो पोर्टल जो शुरू हो गया दोस्तों। सीईटी फॉर्म में आप अपना फॉर्म एडिट करके उसमें कुछ भी करेक्शन जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो जिसकी भी सीईटी फॉर्म में सीईटी का जो फॉर्म भरते वक्त गलती हो गई थी, तो वो उसको दोस्तों अपने किसी भी निजी साइबर कैफे या फॉर्म भरने वाले के पास जाकर उसको ठीक करवा सकता है। उसके बाद देखो दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज दोस्तों, ये एमपी मध्य प्रदेश में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। इसमें 44 पदों पर भर्ती आई दोस्तों, 44 पदों पर इसमें भर्ती आई है। इसमें जो है ना 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। इसमें लैब टेक्नीशियन वगैरह, अटेंडेंट वगैरह की भर्तियां हैं, यानी कि मेडिकल लाइन की जो भर्ती हैं वे हैं दोस्तों। तो इसके जो है ना 10 मार्च तक आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदन इसमें ऑफलाइन तरीके से होंगे और 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर इसमें फीस की बात करता हूँ दोस्तों मैं, तो जर्नल के लिए इसमें 1100 रुपये फी रहेगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें रहेगी 1000 रुपये और एससी और एसटी के लिए रहेगी 900 रुपये। इसके दोस्तों एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से 30 साल तक इसमें, और भी पोस्ट वाइज फिर आवेदन एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। उसके बाद देखिए, एचएसएससी ने जो है एमपीएचडब्ल्यू का परसों आप सभी जानते हैं रिजल्ट घोषित किया था। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे दोस्तों, 526 कैंडिडेट, उनके सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स और विद एड्रेस के साथ जो है पीडीएफ डाल दी गई है कि कौन कहाँ से और कितने नंबर्स के साथ लगा है। तो दोस्तों एक बात तो बिल्कुल पक्की जाहिर है, जो 526 कैंडिडेट लगे हैं इन सभी को क्या है, सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि जो मुद्दा अभी चला हुआ है एचएसएससी में कि बिना एक्स्ट्रा नंबर के कोई भी भर्ती नहीं, कोई भी मतलब कैंडिडेट जो है ना भर्ती में जो है ना बहुत ही यह है कि भी उसका पुख्ता पक्का नहीं हो सकता। तो इसमें जो है ना 526 के 26 कैंडिडेट दोस्तों जिसको सोशियो इकोनॉमिक के यानी कि एक्स्ट्रा नंबर जिसको ज़्यादा मिलते थे वही लगे हैं 526 के 26। एक भी कैंडिडेट दोस्तों ऐसा नहीं है जो खाली पेपर के जो बलबूते लगा हुआ। तो 526 सभी कैंडिडेट सोशियो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम किए हैं इन्होंने। उसके बाद अगली बात करता हूँ दोस्तों आई और सी ओ एन, आई आर सी ओ एन में आई है दोस्तों वर्क इंजीनियर, सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो, और इसके अलावा दोस्तों सुपरवाइजर के 226 पदों पर भर्ती दोस्तों, ये बड़ी भर्ती है 226 पदों पर। इसमें इंजीनियरिंग से संबंधित जो है भर्ती हैं, इसके आवेदन जो 18 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट आवेदन की है वो दोस्तों पोस्ट वाइज लास्ट डेट रहेगी। तो फुल इसका नोटिफिकेशन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से चेक कर सकते हैं, जो लिंक आपको मिलेगा। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो एज क्राइटेरिया मिनिमम रहेगी एज 18 साल और मैक्सिमम 30 से 35 साल दोस्तों। तो ये थी आज की जॉब इन्फॉर्मेशन की इस वीडियो में दोस्तों, इतनी जानकारी। मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने जो ना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।